टेस्टी बना है तो आप लोग भी इसे घर में ट्राई करें और हमारे से चिरे और अपने मुंह से पानी निकाले और अपनी माँ को तंग करें कि प्लीज हमें भी बना कर दे, प्लीज हमें भी बना कर दे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आप स्ट्रोक हो जाएं। तो जी हम अब वीडियो का आगाज करते हैं और हम लोग देख रहे हैं जैसा कि किचन में हैं और आज एक हम ठंडा सा ड्रिंक बनाने आए हैं। रेसिपी क्या बनाएंगे हम? ओरियो मिल्क शेक। अच्छा आपको मैं बताती चलूं कि मेरे बच्चे माशाल्लाह से यूसुफ जो है वो कॉफी में बहुत अच्छा हो गया। दलगोना कॉफी बनाता है और बहुत अच्छी बनाता है, अच्छा उसको बीट करता है और क्रीम वगैरह डाल के बनाता है। और आज जो अहमद है, अहमद बनाते हैं ड्रिंक और अहमद यानी बनाएंगे ड्रिंक। थोड़ी सी मैं इसकी हेल्प करूंगी लेकिन सारी आपको अहमद बताएगा। चले जी अहमद हमें बताएं आप ड्रिंक कैसे बनाएंगे। अच्छा तो हमें सबसे पहले ठंडा दूध चाहिए, चीनी, आइसक्रीम आपकी मर्जी है कौन सी भी चाहिए, ओरियोस, हर्शीज एंड व्हिप क्रीम। ओके तो हम सबसे पहले हमें ठंडा दूध चाहिए और हमने और ओरियोस को अभी हमने इनको मतलब स्मैश करना है और फिर हमने ये इसे ब्लेंड करना है। जी भाई सबसे पहले हमने क्या करना है? अच्छा तो हमने पहले ये कुछ ओरियोस डालेंगे इसमें, दो दो करके डाल लेते हैं, कुछ नहीं होता है। डाल लो दस मिनट ये भी छोटा सा ये भी छोटा सा। ठीक है अब हम ठंडा ठंडा दूध डालेंगे। दूध ये ब्रेड का फेवरेट है। ओके तो अभी तो हमने अब थ्री स्पून चीनी डालनी है। आइसक्रीम तो अब हम आइसक्रीम डालेंगे। आइसक्रीम मैं जा रही अंदर, मुझे लगता है जाने का दिल नहीं करता, एक ही बार में डाल देते सारी। तो ओके गाइस हमने ये सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए हैं और हमने अब इसे हम ब्लेंड करेंगे। कलर इसका जरूर होगा क्योंकि ओरियो का क्रंची जो ऊपर वो चॉकलेट होती है उसकी वजह से। ओके गाइस तो हमने इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लिए तो अब मैं मम्मा को बुलाऊंगा ताकि इसकी डेकोरेशन मम्मा करें। तो क्योंकि ये बच्चे हैं थोड़ी सी हेल्प मेरी बनती है तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि इसको हम कैसे ग्लास को जो है डेकोरेट करेंगे। तो इसमें हम इस तरह से हर्शीज जो है इसको मेल्ट कर देंगे, ऑलरेडी है, इसको हम थोड़ा सा इस पर लगा देंगे और ये इसका थोड़ा सा डिजाइन बन जाएगा। नो इट्स नॉट अ मेसी, इट्स वेरी इट्स लुक ब्यूटीफुल। ठीक है अभी इसी तरह से मैं दूसरे ग्लास को भी थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी। यूसुफ आप बताइए अच्छा लग रहा है? बहुत। चले देखिए हो गया डन। ओके अभी हम क्या करेंगे? चले अहमद अब आप इसमें ड्रिंक जो है वो डालें और मेरी बात सुनिए, एक सेकेंड छोड़े ग्लास कभी भी नहीं उठाते। ठीक है इसको आपने हाफ इतना डालना है सिर्फ हाफ। ठीक है वाओ इट्स लुक यम्मी। ये गाइस आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं अपने घर में, अपने किड्स के साथ मजे का ड्रिंक बनता है। तो जी ये हमने ये है व्हिप क्रीम। इसमें भी जी मैं इनकी हेल्प कर देती हूँ थोड़ी सी ताकि ये बच्चे हैं तो ऐसे दूसरे पे मैं कर दूं। कर ले मेरे को नहीं लग रहा क्योंकि बच्चों के सब कुछ चीजें बच्चों के लिए। यस माँ की तो हेल्प होती है।
अब इसके ऊपर कॉस्टिक्स है। और ये हमने कर लिया। और अभी अहमद आप बताएं इसकी एक डेकोरेशन, मुझे लग रहा है थोड़ी सी मिसिंग। नहीं ओके ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं ठीक है जी। व्यूअर्स अब हमारा मिल्कशेक ओरियो मिल्कशेक तैयार है। तो गाइस ये कुछ मैंने जैसे आपको बताया हमने और डेकोरेशन करनी थी, ये बच्चे इवन अकेले भी कर सकते हैं अगर ओरियो हो। तो गाइस ये बहुत टेस्टी बना है, तो आप लोग भी इसे घर में ट्राई करें और हमारे से चिरे और अपने मुंह से पानी निकाले और अपनी माँ को तंग करें कि प्लीज हमें भी बना कर दे, प्लीज हमें भी बना कर दे। लाइक, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।